Hi Sharks, I'm Shubhankar. Hi. Hi Sharks, मेरा नाम अभिषेक है और हम हैदराबाद से आए हैं. Hi Sharks, I am Kanal Rajshekhar Reddy. I am a civil engineer and an army officer. मैं 1963 vintage का हूँ और मेरा 40 साल वाला बर्थडे के बाद से उम्र का गिनती करना बंद कर दिया है. Very good idea. Thank you. मैं जब छोटा था तब मेरा पैशन था erasers, pencils, stamps, coins वगैरह कलेक्ट करने का. इनके बचपन के टाइम पे हम जब भी शॉपिंग करने जाते थे फॉर टॉयज बुक्स स्टेशनरी प्रोडक्ट्स क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते नहीं थे. ऑल अंडर वन रूफ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. इसीलिए शार्क्स 12 साल पहले मेरा ये पैशन को बिजनेस में बदल डाला और इसी के साथ जन्म हुआ किट्सन. किट्सन एक वन स्टॉप शॉप है जहाँ पे आपको क्वालिटी टॉयज स्टेशनरी बुक्स आर्ट एंड क्राफ्ट और पार्टी नीड्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं. आपको मिलते हैं किट्सन्स में 20,000 से भी ज्यादा केयरफुली सिलेक्टेड आइटम्स बच्चे से बुजुर्ग सबके लिए. और शार्क्स आज हैदराबाद में हमारे 7 एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं और हम इसी ब्रांड को पैन इंडिया ले जाना चाहते हैं ताकि सभी बच्चों के चाइल्डहुड मेमोरीज का किट्सन्स एक एक्सपीरियंस बने. इसीलिए शार्क्स हम ऑफर करने आए हैं 10% ऑफ इक्विटी फॉर 10 crore रुपीज. Amazing. मतलब solid business. Welcome to Shark Tank. Thank you very much. आपने तो army join किया. You did like service to the nation. Right? Yes. We are all proud of you. तो but army को छोड़ा क्यों था? First and foremost, when I joined, the 87, we were probably one of the first units to walk into IPKF, Jaffna. IPKF से लेकर कारगिल में तक, I was there. Wow. I have 3 commendation cards. मैंने प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लिया 22 साल के सर्विस कंप्लीट करने के बाद. आई डोंट से आई हैव डन इनफ बट आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन. हम जो जिए हैं जिंदगी बिल्कुल बाप की तरह जिए हैं. वेल डन. बट हैट्स ऑफ लाइक अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच. अभिषेक शुभांगर आपका क्या पैशन रहता है? आपको ऑप्शन था कि जबरदस्ती था? मैंने ग्रेजुएशन किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद अ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और उसके बाद मैंने एक्सेंचर में एसएपी कंसल्टेंट जैसे काम किया और फिर डी शॉय कंपनी में भी काम किया. एंड जब 4th स्टोर खोल रहे थे आई रियली वांटेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. और आपका सर? जी मैंने भी इंजीनियरिंग किया है पुणे से. फर्स्ट आई वर्क फॉर बायजूस. अच्छा. उसके बाद मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था जहाँ पे द मार्केट वॉज मोस्टली US एंड यूरोप. तो उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे अगर किसी के लिए काम करना है तो वो सिर्फ इधर फॉर द पब्लिक और फॉर माई फादर. एंड आई रिसेंटली जॉइन किचन्स 2 months अगो एज एन इंटर्न. सन्स तो समझ में आ गया क्योंकि दोनों बेटे साथ में काम कर रहे हैं. ये किट कहाँ से आया? एक्चुअली ही इज किट्टू एंड ही इज सोनू. So the tough army man has a soft heart inside. Therefore, Kitson. Probably yes. आपके roles क्या हैं company में? जरा बता सकते हैं आप? Sir, तो मैं daily operations में involved हूँ और हमारे पास एक ERP software भी है जहाँ पे daily, monthly, quarterly divide किया है हमने हमारे brands को and we have automated purchase orders for those brands. So you look after purchasing. So Anu, आप क्या? तो इंटर्न की तरह मैंने ज्वाइन किया recently और मैं part time काम कर रहा हूँ अभी. Oh, okay. In the next 1 month मेरा full time होगा. बॉम्बे में बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ स्टेशनरी होता है, टॉयज होते हैं, थोड़ा आर्ट क्राफ्ट सब कुछ होता है एक दुकान में. तो यहाँ पे क्यों आते हैं लोग? मेरे पास नंबर ऑफ SKUs आर हायर. सेकंड इज क्वालिटी ऑफ टॉयज. किट्सन्स इज अ नो चाइना स्टोर. केलोसी में जैसा प्रॉब्लम हुआ था आई फेल्ट माई सेल्फ क्या हम नहीं सपोर्ट करेंगे इंडिया में, साल कौन और करेगा? तो ऑल टॉयज आर मेड इन इंडिया. इंडिया और हमने डायरेक्ट यूरोप से भी किट्सन्स में इम्पोर्ट किया 2020. ना कोविड कुछ हिला सका, कोविड में भी मैंने पैसा बनाया. और ऑनलाइन का बिगेस्ट थ्रेट है लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया आज तक हर स्टोर हर ब्रांच इंडिविजुअली प्रॉफिटेबल है. एक रुपए मैंने खर्च नहीं किया मार्केटिंग के ऊपर. कन्वर्शन रेट है मेरा 100%. मतलब दुकान में अगर कोई आता है तो खरीद के ही जाता है. बाय द वे इट इज थोड़ा सा अनबिजनेस लाइक भी है. नो रिटर्न्स नो एक्सचेंजेस. आपको अच्छा लगेगा मेरे से ले लो, अच्छा नहीं लगेगा तो थैंक यू वेरी मच. डोंट फील बैड. लेकिन कई हॉलीवुड फिल्म्स में देखने को मिलता है कि एक शॉपकीपर होते हैं थोड़े खड़ूस टाइप के
मैं खड़ूस टाइप का ही आदमी हूँ. डंडा लेके बैठे रहते हैं वहाँ पे. नो रिटर्न्स. इफ यू टच समथिंग यू बाय इट. इफ यू ब्रेक समथिंग इट्स योर्स. यू पे फॉर इट. ऐसे दुकान चलाते हैं आप. आई एम क्लोज टू दैट. खड़ूस. थोड़ा सा खड़ूस. कर्नल साहब, आपका मतलब बिजनेस मॉडल जो है ना, वो थोड़ा मुझे लगता है कि रिजिड है. तो मैं आपके बेटों से पूछना चाहूंगा कि नो एक्सचेंज नो रिटर्न, तो आप उस बिजनेस फिलॉसफी पे बिलीव करते हो? सर, तो ऐसे नहीं कि हम बिल करके दे देते हैं. ईच एंड एवरी आइटम इज टेस्टेड बिफोर गिवन टू द कस्टमर. अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. इट इज एक्सचेंज. कितना रेवेन्यू है? लास्ट ईयर ऑडिटेड इज 6.3 करोड़. कितना एबिटा था लास्ट ईयर? एबिटा इन द सेंस प्रॉफिट. प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 35% है. नेट प्रॉफिट? नेट इज 17%. आप ये साल कितना धंधा करोगे? प्रॉब्ली वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 11 टू 12 करोड़ रुपीस. डबल? यस. क्यों ऐसा जादू क्या हो गया? और दुकानें खोले? नहीं, बिकॉज़ कोविड इफेक्ट था. कोविड के पहले बता दीजिए. एक्सक्लूडिंग जीएसटी इट वाज 570 लाख. ईयर एंडिंग 2020. और कोविड में आप बढ़े? कोविड में 430 हुआ. और अभी आप डबल करेंगे? 11 से 12 करोड़ डबल करेंगे कंफर्टेबल. बहुत अच्छे. कौन से साल में आपने शुरू किया है? 2010 में. और तब से हर साल आपका बिजनेस बढ़ रहा है? यस. नहीं, डबल आपने स्टोर्स खोले हैं इसलिए होगा ना. जो 2 साल पुराना स्टोर है उसकी ईयर ऑन ईयर सेल बढ़ रही है? ऑल ऑफ देम आर ज्योमेट्रिक, आई विल नॉट से ज्योमेट्रिक बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. हर स्टोर मेरा बढ़ रहा है. ये साल आपका प्रॉफिट होगा 1.9 करोड़. फिर भी आप यहाँ पर 50 टाइम्स प्रॉफिट की वैल्यूएशन लेके आए. और आप कर्नल साहब हो एकदम सेंसिबल आदमी. खड़ूस आपने खुद अपने आप को बताया, तो हमको कैसे आप ये कहानी बता रहे हो? ये कुछ तो रीजन होगा आपका. बताइए बताइए. मुझे वो एडमिनिस्ट्रेशन का DRR, ये वैल्यू वो वैल्यू, मुझे वो उतना जानकारी नहीं. आई फील मैं धीरूभाई टाइप का आदमी हूँ और मुकेश जी का भाषा मुझे समझ नहीं आता. बस एक चीज़ है, अगले 2 साल में हम चाहते हैं कि इसका 20 कंपनी ओन स्टोर हो. इसके साथ साथ 80 फ्रेंचाइजी स्टोर अगले 2 साल में खोलने का हमारा इरादा है. और ये हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे फ्रेंचाइजीज के रिक्वायरमेंट्स है. इन्वेस्टर्स आए हैं, ऑल्सो पार्टनरशिप्स बनना चाहते हैं. मैंने डिसीजन बना लिया है. तो फर्स्टली मिस्टर रेड्डी, अब आर्मी से हैं, पीपल फ्रॉम द आर्मी सल्यूट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. बट हर एक सिटी में आपके जैसे लोकल स्टोर्स होते हैं. अभी पूना में 2 स्टोर्स हैं जहाँ मेरा ट्रस्ट है, ओनर के साथ रिलेशनशिप है, तो मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है. इट्स एन एक्सपीरियंस. जो आप सोच रहे हैं ना, द एक्सटेंट ऑफ स्केलिंग फॉर दिस वैल्यूएशन मुश्किल होगा. हैदराबाद में आपने क्रैक किया, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट पैन इंडिया मुश्किल लग रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कंपीटिंग विद एन अमेज़न वो मोर एंड मोर चैलेंजिंग होता जाएगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, ई कॉमर्स में थैंक्स टू टेक्नोलॉजी एंड अबिलिटी टू स्टॉक लाइक मिलियंस ऑफ SKUs, रेंज पे खेलना और क्यूरेशन पे डिफ्रेंशिएट करना रिटेलर्स के लिए मुश्किल हो सकता है. तो आई एम नॉट एबल टू टेक अ बेट ऑन इट. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट फॉर नाउ. बेस्ट ऑफ लक. ये रिटेल का जो बिजनेस है ना, ये बहुत ट्रिकी बिजनेस है. आपका डिसिप्लिन वाला बैकग्राउंड है ना आर्मी का, इसलिए आप बहुत अच्छा चला रहे हैं. किसी को नहीं जानता इस कैटेगरी में जो आज की डेट में ग्रो कर रहा है. तो वो कहते ना, इफ यू कैन एग्जीक्यूट वेल तो हर बिजनेस अच्छा है. फ्रेंचाइजी में शायद थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑनलाइन का भी प्रेशर है. तो अगर जिस डिसिप्लिन से आप चला रहे नहीं चल पाया, तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आता. आने वाला जो भविष्य है उसमें ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अलग अलग नहीं रह सकता. ये ओमनी चैनल ही चलेगा. जब तक इस बिजनेस में आप ऑनलाइन कंपोनेंट नहीं लाएंगे, तब तक वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी बिजनेस. तो इसलिए मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैं पार्टनर बन गया. तो मैं तो पहले दिन से चाहूंगा कि आप सबसे पहले किड्सन्स की वेबसाइट लॉन्च करें. मैं इंटरवीन करूं इफ यू डोंट माइंड. बिल्कुल. ड्यू अपोलॉजीज. मैं ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन मेरी बस की बात नहीं है. जो मैं कॉम्पिटेंस नहीं है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट आपके हट्टे कट्टे 2 जवान बेटे हैं, वो करेंगे. आप जानते हो कि भविष्य ऑनलाइन है, लेकिन आप ये भी मानते हो कि आप खुद नहीं कर पाते. आपकी जो स्किल्स थी, क्षमता थी, वो यहीं तक है. वो 20 स्टोर 30 स्टोर तक कर सकते, उसके आगे कौन करे? वी नीड समबडी. कर्नल साहब, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके लिए वो काम नहीं कर सकता.
और अभी तक योर बॉयज आर नॉट येट रेडी फॉर एक्सपेंडिंग और स्केलिंग दैट बिजनेस. एक पार्ट टाइम कर रहा है, दूसरा सिर्फ परचेसिंग दे रहा है. ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई है कि वो ऑनलाइन ले जा सके या उस बिजनेस को स्केल कर सके. 2 करोड़ रुपया साल का प्रॉफिट कमाना कोई मामूली बात नहीं. सो आई कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट. मैं नहीं देख सकता हूँ कि कैसे आपको वैल्यू करूँ जिस हिसाब से आप यहाँ पर डिमांड करने आए हैं, तो उस रीजन से मुझे आउट होना पड़ेगा. विश यू ऑल द बेस्ट. जब आप आर्मी से निकले, आपने एक शॉप लगाई. इजी तो है नहीं, क्योंकि आपने कोई बिजनेस तो पहले करा नहीं था फ्रॉम सर्विस बैकग्राउंड. टफ हुई होगी ना पहली शॉप लगाना? नहीं लगा मुझे. क्यों? मुझे मजा आया था, मुझे अभी भी मजा आता. कितने पैसे लगाए अपने शॉप? 42 लाख लगाया, जिसमें से 35 लाख मेरा रिटायरमेंट के बेनिफिट से. वाह. लगाने में आपने 42 लाख तब लगाए थे 2010. Yes. अभी एक शॉप खोलने में कितना पैसा लगता है? 70 लाख करीब लगे. अपने ही पैसे लगाते हो या लोन लेते हो? नहीं, मैं जनरेट किया हूँ, रीइन्वेस्ट करता गया. मैं आज तक कहीं से एक रुपए नहीं लाया. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट किचन. समझ गया कर्नल साहब, आप पे ना आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. आई एम नॉट टू प्राउड ऑफ योर सन सर, सॉरी टू से. मैं चाहता था कि अगर वो लोग और कंट्रीब्यूट कर पाते और वो बता पाते और हमारे क्वेश्चंस जो हम आपसे पूछ रहे हैं इनके पास वो आंसर्स और होते, इनको पता होता कि क्या ठीक है क्या नहीं है, इनको पता होता क्या वैल्यूएशन के साथ आस्क करना चाहिए. माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू बोथ ऑफ यू वुड बी टू टेक इट अप फ्रॉम हिम, लर्न व्हाट ही हैज गिवन यू, मेक योर फादर प्राउड इन टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. दादा मैं बोलता था बिकॉज मैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच झाड़ू पोछा से मैं तो ये रिस्पेक्ट भी होती है फॉर योर पेरेंट्स कि आप ज्यादा ना बोलो उनके सामने. बट क्या होता है ना, दे आल्सो बिकम मोर एक्टिव, देन इट शोज लाइक अ फैमिली बिजनेस. अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपका एक विजन है जो ये पूरा करने के लिए ये रेडी नहीं है. तो फॉर ऑल दीज रीजंस जो इन्होंने बोले और जो मैंने बोले, वी आर ऑल्सो आउट सर. सो ऑल 5 शार्क्स आर आउट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम. No problem, Shah. And probably we'll be back with season 3. Yes. I hope to prove you wrong. Thank you, sir. Okay, guys. Thanks for that. Thank you. All the best.